Namaste friends, welcome to Art and Tarot. Sacrifice is one of the most essential elements of life. Sacrifice आपको वो देता है जो आपको और कोई तत्व आपकी लाइफ में नहीं प्रदान कर सकता. Sacrifice is an elevation. It's a ladder towards the heaven. Sacrifice कुछ ऐसा नहीं है जो आप करते हैं. Sacrifice कुछ ऐसा है जो आपसे होता है. Sacrifice कुछ ऐसा नहीं है जिसको आप अपनी तरफ से करने की कोशिश करते हैं. Sacrifice घटता है. एंड सैक्रीफाइस कुछ ऐसा है जो कि आपकी मैच्योरिटी के साथ, जब आपकी मैच्योरिटी एक ऐसी स्टेज पे होती है जिसमें एक कंप्लीशन आ रही होती है, तब आपको जो है वो सैक्रीफाइस घटता है आपकी लाइफ में. सैक्रीफाइजिंग इज़ अ वेरी हायर स्टेट आई शुड से. जो सैक्रीफाइस आप खुद करते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जो आप सैक्रीफाइस करेंगे उसमें कैलकुलेशंस होंगी, उसके अंदर जो है आपका खुद का एफर्ट होगा. और जो सैक्रीफाइस आपसे एक फ्लो में हो जाए जिसके अंदर आपको एफर्ट ना करना पड़े, दैट इज़ द रियल सैक्रीफाइस. द डिवाइन गिव्स यू दैट अपॉर्चुनिटी ऑफ दैट सैक्रीफाइस. तो मैं कहीं ना कहीं ये कहना चाहता हूँ कि सैक्रीफाइस शायद किसी के हाथ में नहीं है, कोई सैक्रीफाइस नहीं कर सकता. सैक्रीफाइस होता है एंड दैट इज़ द रियल थिंग. क्योंकि एक बार और मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूँ कि अगर जब भी आप सैक्रीफाइस करने की कोशिश करेंगे, देयर इज समथिंग समवन इनसाइड ऑफ यू हु विल कीप ऑन रिमाइंडिंग यू दैट यू हैव डन समथिंग, कि आपने कुछ करा है. और आपके कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आपका जो ईगो है उसमें जो है उसमें एक एडिशन हो जाएगा, एक मेडल लग जाएगा, एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा. दैट इज़ नॉट अ सैक्रीफाइस एट ऑल. सैक्रीफाइस हैज़ नथिंग टू डू विद द ईगो. सैक्रीफाइस मीन्स गोइंग टूवर्ड्स द हायर पेडेस्टल ऑफ लाइफ, रिकॉग्नाइजिंग दैट समथिंग विच इज़ नॉट फॉर यू इट जस्ट गोज अवे फ्रॉम योर लाइफ, बट लेट गो हैपन्स. सो शायद मैं कहीं ना कहीं ये कहना चाहता हूँ कि सैक्रीफाइस नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है. जैसे जैसे आदमी की स्टेज बढ़ती है, मैच्योरिटी बढ़ती है, सैक्रीफाइस हो जाता है, लेट गो हो जाता है. तो आज जिस कार्ड की हम बात करने वाले हैं वो एक सैक्रीफाइस का सिंबल है और एक मैच्योरिटी का सिंबल है. कार्ड है द हैंगमैन. हैंगमैन के बारे में जानने से पहले हम इसके कीवर्ड्स जानेंगे. हैंगमैन के कीवर्ड्स हैं साधना, इनिशिएशन, स्पिरिचुअल प्रोसेस, मिसफिट, सरेंडर, सैक्रिफाइस एंड लेट गो. सो हम हैंगमैन की फिगर को देखते हैं कि वो उल्टा लटका पड़ा है. और अगर आप इसके चेहरे को देखेंगे तो उसके चेहरा जो है इज एक्चुअली वेरी रिलैक्स्ड. हालांकि उल्टी पोजीशन में है, बहुत डिस्कम्फर्ट की पोजीशन में है, लेकिन डिस्कम्फर्ट उसके चेहरे पे शो नहीं करता. एक बहुत ही एक सीरीन एक्सप्रेशन उसके चेहरे पे आता है. और साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि वो जो पेड़ पे लटका पड़ा है वो अपनी खुद की विल से लटका पड़ा है. वो अपने आप को किसी टॉर्चर पोजीशन में नहीं डाल रखा उसने. और थोड़ी देर पहले मैं यही बात कर रहा था, This looks like a sacrifice and it looks like, you know, he's sacrificing himself for the greater good. But you can say that, but in fact, agar hum isse puchhenge, iske gehre mein jayenge aur puchhne ki koshish karenge, are you sacrificing? So this man is going to say that this is just happening and this is what he feels like doing at the moment and this is what brings him happiness and joy within. सो एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करना चाहूँगा जीसस क्राइस्ट की. जब उनको सूली दी जा रही थी और वो एक ऐसी पोजीशन में थे जिनमें उनकी पूरी बॉडी ब्लीड कर रही थी और वो पूरा दर्द से जो है कर्रा रहे थे,
अब आप थोड़ा सा सोचेंगे तो सबसे पहले इमेज यही आएगी, यू नो दैट ही इज़ इन पेन. यस, फिजिकली ही इज़ इन पेन, बट इंटरनली ही इज़ नॉट. ही इज़ मच बियॉन्ड द पेन. बाहर से लगेगा यस ही सैक्रिफाइसिंग, बट व्हेन यू विल आस्क हिम ही सेज दिस इज समथिंग सो नेचुरल, दिस वाज सपोज्ड टू हैपन, दिस इज व्हाट ही प्लान्ड, दैट ही वांटेड टू बी एग्जीक्यूटेड. एंड विदाउट द एग्जीक्यूशन द वर्ड ऑफ गॉड विल नॉट बी स्प्रेड. विदाउट हिज सैक्रिफाइस द पीपल विल नॉट रियलाइज द ट्रूथ. एंड दैट इज व्हाई इट हैपेंड. सो हैंगमैन जो है आपको ये इंडिकेशन देता है, एक ये सीख देता है कि सैक्रिफाइसेस, यू नो दे हैपन इन लाइफ. उसको आप करते नहीं हैं, वो आपसे होते हैं. जब आप एक मैच्योर पोजीशन में आ जाते हैं, एक ऐसी स्टेज में आ जाते हैं जब आपको चीज़ें साफ हो जाती हैं, दिख जाती हैं, तो छोड़नी नहीं पड़ती, छूट जाती हैं. कार्ड का नंबर अगर आप देखेंगे वो है 12. और अगेन ये कार्ड जो है कि मेल और फीमेल प्रिंसिपल को जो है यूनाइट करता है. जो 12 नंबर है उसको एक और दो को अगर आप जोड़ेंगे तो वो बनता है मैजिशियन और हाई प्रीस्टेस. और अगर आप 3x4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनता है एम्प्रेस इंटू एम्परर, विच इज इक्वल टू द हैंग मैन. सो इट बेसिकली शोज अ पोजिशन, समवन हु हैज गॉन थ्रू अ प्रोसेस, समवन हु हैज गॉन थ्रू अ प्रोसेस ऑफ द यिन एंड यांग, the balancing inside of them and come to a position of the hangman. Hangman is nothing but a process which you are going through. It's a spiritual process. It's an initiation. So hangman ka ek aur matlab hai wo ye ki jab aapki life mein spiritual initiation hoti hai, jab aap finally guru ko surrender karte hain, to aapki reading mein hangman ka card show karta hai. This means you are connecting to the Guru. This means you are connecting to the life. And this life is taking you through a roller coaster ride. This life is taking you through this process. And it looks like you are hanged. और आप hang हो रखे हैं उस position में. और वो hang की position वो सिर्फ यही show करता है कि अब जैसी आप initiate हुए, जैसी आप Guru के साथ जुड़े, चीज़ें वो ही नहीं रहेगी जैसे पहले थी. ये संसार वैसे ही नहीं रह गया जैसे पहले था, जैसे आपने पहले जाना था. सडनली सब कुछ चेंज हो गया. सडनली यू फील यू आर अ मिसफिट. आपको ये लगने लगा या तो ये पागल है या फिर मैं पागल हूँ. ये दुनिया कहाँ जा रही है, ये कैसे काम कर रही है. सडनली यू आर नॉट एबल टू बी इन सिंक विद द वर्ल्ड एंड दैट इज़ वाई यू फील हैंग्ड. यू फील योर सेल्फ इन अ पोजिशन वे यू कांट मूव, यू कांट गो एनीवेयर. Nothing is happening. You are in a fix. But outside, yes, nothing is happening. जो बाहर की दुनिया है वो रुक चुकी है, लेकिन भीतर की दुनिया के अंदर जो है यात्रा शुरू हो चुकी है. ये बताता है हैंगमैन हमें कि फाइनली इसका भीतर का एक प्रोसेस ऐसा शुरू हो गया है जिसके अंदर उसको अवेकनिंग की जो है ग्लिम्स मिल गई है. उसको ये समझ में आ गया है कि दुनिया के साथ सीधे होके नहीं चला जा सकता अगर उसको स्पिरिचुअल प्रोसेस अपना फॉलो करना. दुनिया के साथ उल्टा होकर ही चलना पड़ेगा ताकि आपका जो है स्पिरिचुअल प्रोसेस जो है आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सके. इसलिए हम देखते हैं हैंगमैन के जो ओरा है उसमें जो है एक एनलाइटनमेंट का जो है एक सन का जो है ओरा शो करता है, विच मीन्स यू नो ही नोज वॉट ही इज डूइंग. ही इज नॉट स्टूपिड. He knows what process he is going through and he is very happily, you know, he is going through it. तो hangman जब भी आपके reading में आता है वो कहीं ना कहीं एक शुभ बात आपको बोलता है. शुभ आपको वो इस तरह से बताता है कि आपने जो है कुछ अच्छे पुण्य करे हैं, आपका जो पिछला जो past है वो अच्छा रहा है जिसके कारण जो है आपकी life में hangman आया है. हैंगमैन जो है आपको बाहर की दुनिया में थोड़ी देर के लिए इट गिव्स यू अ पॉज एंड इट गिव्स यू टाइम टू गो डीप इनसाइड योर सेल्फ. अगर हम इस वक्त की बात करेंगे जो कोरोना का ये जो टाइम चल रहा है इस वक्त,
दिस इज सच अ ब्यूटिफुल टाइम कि सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं जो है हैंगमैन जो है फोर्सिबली आ गया है। अगर इस वक्त आप अपने भीतर नहीं गए तो शायद कभी भी नहीं जा पाएंगे, बहुत मुश्किल पड़ेगा। क्योंकि इस वक्त जितना जो है आपको ये यूनिवर्स, ये एग्जिस्टेंस जितना मौका दे रही है आपके अपने खुद के भीतर जाने का, शायद उसके बाद बड़ा मुश्किल पड़ेगा। क्योंकि उसने कहीं ना कहीं आपकी बाहर की एक्टिविटीज़ जो है बहुत हद तक सीज कर दी है, एंड उसने आपको ये मौका दे दिया है कि अब आप अपने भीतर जा सकते हैं। बाहर की दुनिया बंद हो रखी है लेकिन भीतर की दुनिया अभी भी खुली है। भीतर की दुनिया में कोरोना नहीं आ सकता कभी भी। सो टेक फुल यूज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, डोंट मिस इट। गॉड हैज ब्लेस्ड यू टू गो डीप इनसाइड ऑफ योर सेल्फ। मेक श्योर यू फाइंड दैट इनर सेल्फ, मेक श्योर यू फाइंड दैट डेस्टिनेशन विच यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउटसाइड। बाहर तो जा नहीं सकते, अब भीतर खोजिए। और अगर आपने वो चीज़ खोज ली जिसके लिए आप यहाँ पे आए हैं तो आपकी डेथ सफल हो जाएगी। देन यू विल नॉट बी वरीड व्हेन द डेथ कम्स, देन यू विल बी हैप्पी बिकॉज सम हाउ यू हैव फुलफिल्ड योर एम ऑफ बीइंग हेयर। एक बात और इसमें जो है कार्ड में इंडिकेशन आता है कि हैंगमैन की जो पोजिशन है वो उसको देखते हुए उसका नंबर जो है 12 है। 12 का उल्टा कर दीजिए तो बनता है 21, जो कि है द कार्ड ऑफ द वर्ल्ड। तो ऑलमोस्ट आप कंपेयर कर सकते हैं कि जो हैंगमैन का प्रोसेस जो है जो 12 से शुरू हुआ था वो 21 में कंप्लीट हुआ, जिसमें जो है एक वुमन को सिग्निफाई करा हुआ है। एंड ऑलमोस्ट वो यही सेम पोजीशन है बट नाउ वो अपराइट हो गया है। यहाँ पे अपसाइड डाउन है लेकिन द वर्ल्ड के अंदर जो है वो अपराइट पोजीशन शो करती है। दैट मींस द प्रोसेस विच स्टार्टेड विद द मास्टर, द इनिशिएशन विच हैज़ बीन गिवन टू यू, इट हैज़ बीन सक्सेसफुल एंड फाइनली इट रीच्ड अ पॉइंट ऑफ एनलाइटनमेंट, फाइनली इट रीच्ड अ पॉइंट ऑफ अवेकनिंग। सो दैट्स हाउ दिस कार्ड इज, यू नो, द हैंगमैन। बहुत सारे लोग जो हैं इस कार्ड को जो है नेगेटिव की तरह भी देखते हैं। बहुत सारे टैरो रीडर्स जो कि बहुत जनरल रीडिंग करते हैं, जो कि इसके डेप्थ में नहीं जाते हैं, जो जनरल सा जो रीडिंग करते हैं वो ये कहते हैं कि आप स्टक हैं किसी प्रोसेस में और आप जो है आप कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हैं और वो सैक्रिफाइस जो है आप जो है किसी ग्रेटर गुड के लिए कर रहे हैं। सैक्रिफाइस तो हो रहा है लेकिन आप कर नहीं रहे हैं, बस इस चीज़ को ख्याल रखिए। तो कहीं ना कहीं एक छोटे से मीनिंग के साथ जो है ना, एक छोटे से ट्विक के साथ जो है पूरे कार्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है, पूरे कार्ड का गेस्टाल्ट चेंज हो जाता है। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, दैट इज़ व्हाई इट इज़ नीडेड टू अंडरस्टैंड टैरो कार्ड्स इन द राइट वे। सो अल्टीमेटली द हैंगमैन इज एक्चुअली टॉक्स अबाउट द स्पिरिचुअल प्रोसेस। अगर ये कार्ड आपकी रीडिंग में आ रहा है तो एक बहुत ही एक शुभ बात है, क्योंकि वो आपको ये बोलने की कोशिश करता है कि आप फाइनली अपनी लाइफ में एक ऐसे पॉइंट पे है जहाँ पे कुछ ब्यूटीफुल घट सकता है, कि बाहर की दुनिया कहीं ना कहीं एक पॉज की स्थिति में आ गई है, कि बाहर की दुनिया जो है एक थोड़ी थम गई है। इस थमे हुए पल के अंदर आप अपने भीतर जा सकते हैं और उसको खोज सकते हैं जिसके लिए आप यहाँ पे आए हैं। द हैंगमैन इंस्पायर्स यू, इट इंस्पायर्स यू टू लुक इनसाइड ऑफ योर सेल्फ, एंड इफ यू हैव नॉट बिगन दैट अल्टीमेट जर्नी, स्टार्ट दिस एज सून एज पॉसिबल। द हैंगमैन रिमाइंड्स यू, द हैंगमैन अवेकन्स यू। एंड जाते जाते इसके लिए एक स्पेशल कोट है जो कि मैंने खोजा है। कोट है एडवर्ड बुलेवर लाइटन का, वो कहते हैं लव सैक्रिफाइसेस ऑल थिंग्स टू ब्लेस द थिंग्स इट लव्स। लव का एक बहुत एक नेचुरल प्रोसेस है कि सैक्रिफाइस उसके नेचर में है, सैक्रिफाइस जस्ट फ्लोज आउट ऑफ इट, बट वी हैव टू से इट इन द राइट वे। लव नेवर सैक्रिफाइसेस, विद लव सैक्रिफाइस हैपेंस। क्योंकि अगर आप
ये कहेंगे कि लव सैक्रिफाइस करता है तो वहाँ पे ईगो आ गया, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि लव के साथ सैक्रिफाइस होता है, दैट मीन्स इट्स द डिवाइन विल, दैट इज द नेचर ऑफ लव, दैट इज द नेचर ऑफ गॉड इट्सेल्फ. सो आई होप दिस प्रोसेस ऑफ हैंगमैन स्टार्ट्स इन योर लाइफ टू. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन. आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. नमस्ते.